Hey guys, welcome back to my channel Crazy Nomad Vlogs. So आज मैंने decide किया है कि कुछ नए type का vlog channel पर डाला जाए. This is something called narrative vlog. यहाँ तक कि आपने story देख ली है, तो हम लोगों ने decide किया था कि एक कोई पास में कोई fort हम लोग explore करें. तो कमलगढ़ fort का नाम मैंने suggest किया मेरे friend नितिन को. तो कमलगढ़ का ऐसा था सीन कि हम लोग को YouTube पे ज़्यादा videos मिले भी नहीं थे और थोड़ा सा नया fort लग रहा था, तो हम लोग चले गए. बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हम लोग पुणे बेंगलोर हाईवे पे पहुँचे. बारिश की वजह से रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोगों को ऑलमोस्ट लाइक 3 से 3.5 घंटे लग गए वहाँ तक, एक्चुअल लोकेशन तक पहुँचते. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 8 और हम लोग पहुँचे वहाँ पे बेस विलेज पे 2 बजे. फिर 2 बजे से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया. तो उसके बाद की स्टोरी आप वीडियो में देख लीजिए. थोड़े से में ही थक गए हम लोग और अभी ये बोरबन बिस्किट खा रहे हैं. अभी पता नहीं ऊपर और कितना जाना है हम लोगों को. पर यहाँ से जो व्यू है मतलब ऐसा किया जा सकता है कि सिर्फ इतने दूर आओ, वहाँ पे बैठो, कुछ खाओ पियो और वापस चले जाओ. फोर्ट और ऊपर है, अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा और पता नहीं आता हम लोग कितने बजे निकलेंगे. ठीक है, जैसा भी है देख लेंगे. थोड़े से स्नैक्स के बाद हम लोगों ने वापस कंटिन्यू किया कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात यह है आज धूप नहीं है. सी पूरे बादल है वहाँ पे, तो उसके वजह से थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा है. उसके बाद फाइनली हम लोगों ने बेस विलेज से अपना ट्रैक स्टार्ट किया. वहाँ के लोकल्स ने हम लोगों को थोड़ा सा गाइड किया कि कैसे टॉप तक जाना है. तो उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया कि वहाँ से हम लोगों को आगे ट्रेल्स के ऊपर तक जाना है. तो हम लोगों ने जैसे ही ट्रैक स्टार्ट किया तो लकीली तब थोड़ी थोड़ी धूप थी, तो हमें लगा कि ऊपर तक जाते जाते इट विल बी लाइक दैट ओनली. तो जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचे पूरे बादल आ चुके थे और विद इन लाइक 5 to 10 minutes इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि देख लीजिए बारिश. कुछ नहीं दिख रहा. सही बताऊँ, जब बारिश एक्चुअली स्टार्ट हुई थी तब माइंड में ऐसा ना 2 टाइप के ऐसे डिसीजन आ रहे थे कि यहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि हम लोग कुछ रेन गियर्स लाए नहीं थे ना जैकेट वगैरह, या तो फिर ऐसा है कि जो भी कुछ बचा कुचा है वो बैग में डाले, बैग को कवर करे और टॉप तक जाए. तो उस डिलेमा में मेरा दिल ऐसा बोल रहा था कि चलो वापस नीचे चलते हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट 3-3.5 हो चुका था. बट नितिन ने मुझे पुश किया कि नहीं, इतने दूर आ चुके हैं तो चलो ऊपर चलते हैं. तो फिर उसके डिसीजन को हम लोगों ने फॉलो किया और हम लोग ऊपर चले गए. We'll be right back.
लकीली बारिश 20-25 मिनट बाद रुक गई थी, बट मौसम ऐसा हो गया था कि धूप भी निकल आई थी और हम लोग पूरे गीले थे और बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली किस तरफ जाना है, क्योंकि ना हम लोगों को प्रॉपर रूट पता था और ना कोई ऐसे हम लोग को ट्रेल्स दिख रहे थे जिसको फॉलो करके हम लोग ऊपर जा सके। बट हाँ, दूर पे एक छोटा सा ऐसा हट टाइप हमको दिख रहा था जिसको हम लोग ऐसा पॉइंट मान के हम लोगों ने उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। बट जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे पहुँचे, हम लोग को एक प्रॉपर ट्रेल मिली। वो ट्रेल को हम लोग फॉलो करते 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 फाइनली उस हट तक पहुँच गए जो कि सेकेंड बेस था फोर्ट के लिए। और यहाँ से व्यू एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रुक जा। एक पैच है, बोले थोड़ा सा डिफिकल्ट। बिस्किट्स दे दो थोड़े से, तेरे पास है बिस्किट चाहिए। चेन से बांध के रखा है इन लोगों को, बेचारों को। बिस्किट खाएगा? लो इसको दे देता हूँ। खा ले बेटा, खा। जंगल में जानवर है ना उसका। कौन सा जानवर है? क्या है उसका? वो ये वाघ। वाघ है? डुकर। चल भी, चल अपने को टाइम लगेगा फिर जाए इसका भी। उसका सब कुछ लगेगा। हम लोगों ने सेकंड बेस से चलना तो स्टार्ट किया था, बट हम लोगों को ये नहीं आइडिया था कि हम लोगों को कितना आगे तक जाना है और कितने देर में हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। तो एक पॉइंट पे मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी, तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे बैठ गया एक जगह पे और नितिन आगे चला गया, उसको थोड़ा सा देखना था। अभी भी बोल रहा है आधे घंटे का और ट्रैक है। वो बेचारे कुत्तों को वहाँ पे बांध के रखा था, शायद हमारे साथ आने के लिए रो रहा है। यार खुजली हो रही है। हाँ, ये बड़े बड़े घास से ना। नितिन आगे चला गया एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे जाना है, बट अराउंड 20-25 मिनट बाद वो भी वापस आ गया और उसने आके ये बोला मुझसे कि आगे हम लोग बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि एक रॉक पैच है। वो रॉक पैच है तो इजी चढ़ना इस मतलब हम लोग चढ़ सकते थे उस पर, बट उतरते टाइम हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था और वैसे भी रात होने वाली थी, शाम ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये रॉक पैच या ये फोर्ट हम लोग इस बार कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वापस वो सेकंड बेस जहाँ पे वो घर था वहाँ पे हम लोग रिटर्न आ गए। और वो स्पेशली वो दो डॉगीज, ओए ये देखो टाटा बोल दो। तो नितिन से पूछते हैं, नितिन ऊपर तक पैच तक गए थे, क्या था उसके बाद? फट गई। पैच चढ़ना बहुत इजी है लेकिन पर उतरने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्योंकि अभी रॉकी पैच थोड़ा सा स्लिपरी भी है, तो अभी अगली बार का प्लान ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आके एक दिन रुको और अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, तो ताकि हम लोग जल्दी ऊपर पहुँच जाए। पूरे बादल कवर्ड हो गए और वो रहा गाँव और ये रहा व्यू, तो निकलते यहाँ से।
लाइफ में ऐसा हुआ कि कोई फोर्ट पे मैं गया और बिना एक्सप्लोरेशन किसको वापस आ गया. बट होता है कभी कभी कि हम लोग कोई डेस्टिनेशन सोच के जाते हैं और वो नहीं हो पाता है पूरा. बट मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हम लोगों ने जो मिडवे से आगे जाने का डिसाइड किया, ना ही वहाँ से रिटर्न आने का, तो एक आइडिया हम लोगों को हो गया है कि एटलीस्ट टॉप पे जाके हम लोग को नेक्स्ट बार जब हम लोग आए यहाँ पे इस फोर्ट पे, तो हम लोग को एक आइडिया है ऑलरेडी. आई होप आपको ये छोटा सा मेरा एक्सपेरिमेंट ऑफ नैरेटिव ब्लॉग पसंद आया. अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाइए, और मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन वाले वीडियोज़ है उनको देखिए. अगर आपको लगता है कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को हिट करके ही जाइए. पर अपना वीडियो एंड करते हैं. टिल देन गुड बाय, कीप रोलिंग एंड कीप स्माइलिंग. दिस इज क्रेजी नोमाड साइनिंग ऑफ. बाय बाय.